तो आज हम लोग पढ़ेंगे भगवान कृष्ण को कार्तिक मास में दीपदान करने का महात्म्य। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य में संवाद है, ठीक है। तो कहते हैं कि करोड़ों कल्पों में एकत्रित पाप भगवान कृष्ण को कार्तिक में दीपदान करने मात्र से एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? करोड़ों कल्पों में एकत्रित पाप भगवान कृष्ण को कार्तिक में दीपदान करने से मात्र एक ही क्षण में भस्म हो जाता है। अब लोग मन में हो सकता है, प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है ना? फिर भी अभी मन में आया तो अब कोई जन्म नहीं लेगा, हम लोग सब एटलीस्ट जो भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वो तो भगवान को जरूर दिया निवेदन करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग फिर कभी इस धराधाम पे नहीं आएंगे वापस। एक बात ध्यान दीजिएगा, मन में प्रश्न हो सकता है, प्रभु जी ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। हाँ, लेकिन भगवान के पास अनंत शक्ति है ना? तो क्या कर सकते हैं? बड़ी चीज को छोटी कर सकते हैं और छोटी चीज को बड़ी कर सकते हैं। तो ये जो साइकिल है हमारा लाइफ साइकिल, मतलब इतना बड़ा मृत्यु चक्र का, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, भगवान उसे छोटा कर सकते हैं, और दिया दिखाने का जो चक्र है उसे बड़ा कर सकते हैं, है ना? उससे उसको घटा देते हैं। तो भगवान के पास ये अद्भुत शक्ति है और भगवान कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दें कि एक भी दिन छूट ना जाए, बस जैसे भी हो दिया लावे, और जितना लोग सब लोग एक एक दिया ले और अलग अलग से करें, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मतलब नारद जी को बता रहे, इस दीप के गुणों को सुनो जो भगवान केशव को अति प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान को कार्तिक में दीप अर्पित करता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। देखिए कौन जन्म लेना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति नहीं। इसीलिए दोबारा क्या करिए, भगवान को दिया अर्पित करिए। यह दीपदान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय या नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय प्राप्त होने वाले पुण्यों से करोड़ों गुना अधिक लाभ देने वाला है। आप जानते हैं जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो लोग जाते हैं नदियों में दीपदान करने के लिए। जैसे जब ये लगा था तो उसमें गोपी इत्यादि भी गई थी कुरुक्षेत्र में दीप अर्पित करने के लिए। लेकिन यह जो है ना, उनसे भी उन पुण्यों से भी करोड़ों गुना अधिक लाभ देने वाला है। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत फल है। हे ऋषिवर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को इस महीने में दीप दान करता है उसके लिए आश्रम यज्ञ क्या आवश्यकता है? वो तो ऐसे ही मिल जाता है। चलो मिल गया, आश्रम यज्ञ कर लिया तुमने, है ना? या आश्रम यज्ञ के लिए इतना बड़ा कुंड बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक दिया से आश्रम यज्ञ हो गया आपका, ओनली फ्रॉम अ दिया, सिर्फ एक सिंपल दिया से आश्रम यज्ञ हो गया, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस दीपदान से सभी नियत कर्म, अद्यपि वे मंत्र क्रिया और पवित्रता से हीन भी क्यों ना हो, वे भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक में केशव को दीपदान करता है वह सभी प्रकार के यज्ञ कर लेता है। केशव मतलब क्या होता है? का मतलब ब्रह्मा जी, श मतलब का इश मतलब शिव जी, है ना? का मतलब ब्रह्मा जी और इस मतलब शिव जी, और वह मतलब जो उनको भी बस में रखे, तो उन्हें कहते हैं केशव। तो क्या कहते हैं? जो व्यक्ति कार्तिक में केशव को दीपदान करता है वह सभी प्रकार की यज्ञ करता है। सारे यज्ञ वह व्यक्ति कर लेता है, उसे और अन्य यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, वो फिनिश कर ले सकता। इसके विपरीत तीनों जगत के पुण्य फलदायक नहीं होंगे यदि कोई कार्तिक में दीप भगवान केशव के समक्ष नहीं जलाता है। तो इसके विपरीत बहुत सारे आप कार्य करें लेकिन वो सब फलदायक नहीं होगा अगर आप भगवान केशव के सामने कार्तिक में दीप नहीं जलाते। ये ब्राह्मण प्राचीन काल से पूर्वज यह प्रार्थना करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कहते हैं? ये ब्राह्मण प्राचीन काल से पूर्वज यह प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे पूर्वज चले गए, कोई हमारे वंशज में कोई भी ऐसा व्यक्ति जन्म ले जो भगवान केशव को कार्तिक में दीपदान करके प्रसन्न कर लेता, तो हम लोग भगवान चक्रपाणी की कृपा से मुक्त हो जाएंगे। कितना अद्भुत बात है, आप सोच सकते हैं? अद्भुत है कि नहीं? सोचिए कितना अद्भुत है। पूर्वज यह प्रार्थना करके बैठे हुए हैं ऊपर में कि कोई तो हमारे कुल में ऐसा व्यक्ति जन्म ले जो केशव, भगवान श्री केशव को कार्तिक महीने में दिया दिखावे, और अगर वह व्यक्ति दिया दिखाया तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे, ऐसा आस लगा करके बैठे हुए। कैन यू इमेजिन दिस? अद्भुत है कि नहीं? बताइए, मेरी बात नहीं बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं, यह स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को, है ना?
नारद जी को बोल रहे कि यदि कोई वंशज हमारा कोई क्या कह रहे हैं कि प्राचीन हे ब्राह्मण प्राचीन काल से पूर्वज जी प्रार्थना करते हैं कि यदि कोई हमारा वंशज भगवान केशव को कार्तिक में दीप दान करके प्रसन्न कर लेता है तो हम लोग भगवान चक्र पाने की कृपा से मुक्त हो जाएंगे। सोचिए, सोच में बैठे हुए कि कोई तो हमारा ऐसा वंशज हो जो कार्तिक में क्या करे, भगवान को दीप दान करे। दीप दान करेंगे तो भगवान निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे, और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, जन्म मृत्यु चक्र से छूट हो जाएंगे, हम लोग मुक्त हो जाएंगे। अद्भुत है कि नहीं? अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने पूर्वजों के लिए तो करो दीपदान। कोई पूछे क्या कर रहे हो, दादा दादी परदादा परदादी फिर सुबह तर फिर ग्रैंड फिर ग्रैंड फिर ग्रैंड, मतलब क्या कहते सुपर क्या क्या कहते, वो सब लगाते जाइए, सब का उद्धार हो जाएगा खाली भगवान को कार्तिक में दिया दिखाने मात्र से। सोचिए कितनी मतलब अद्भुत कृपा है। हमने बोला था ना कि भगवान की कृपा ऐसी है ना ऐसी है कि समझ में नहीं आती, क्या वाकई ऐसी हो सकती है क्या? मैं लगता है तो उसी कैसे को? लेकिन ध्यान रखना चाहिए भगवान के पास अनंत शक्ति है, और भगवान बड़े बड़े चीजों को छोटा कर देंगे और छोटे छोटे चीजों को बड़ा कर सकते, ये भगवान के पास कैपेसिटी है। भगवान के पास अचिंत शक्ति है, हम जिसके विषय में सोच भी नहीं सकते। साथ ही यदि किसी के पाप मेरु पर्वत के समान, मेरु पर्वत बोले तो बहुत बड़ा पर्वत के समान हो, आप सोच भी नहीं सकते। मेरु पर्वत के समान क्यों भी क्यों ना हो तो भी यह दीप दान उन पापों को जलाकर भस्म कर देता है। अद्भुत है क्या यह दीप दान भगवान वासुदेव के मंदिर में हो या अपने घर में, यह अद्भुत फल देने वाला है। ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने घर में भी भगवान यशोदा और दामोदर, यशोदा दामोदर के फोटो को घर पे लेके आ सकते हैं और भगवान को क्या कर सकते हैं, दिया दिखा सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि या तो आप अपने घर पे दिखाएं या फिर बाहर दिखाएं, जहां पे आपकी जहां आपको सुविधा हो वहां दिखाएं। घर पे दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो मंदिर में जाइए और मंदिर में दिखाइए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह आप कहीं पे भी दिखा सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि कहीं पे भी आप दिखा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए कि भाई हम भगवान को क्या करें, दिया दिखावें ही दिखावें, जैसे भी हो हम भगवान को दिया दिखावें। ऐसा फोटो आप लोग लेकर के आ सकते हैं अपने घर पर, है ना, और वह जरूर दिखा सकते हैं। जो हमारे सेंटर के नियर बाय होंगे उनको तो हमारे किशन प्रभु दे देंगे, लेकिन जो नहीं है वो लोग या तो ऑनलाइन या फिर देखिए, अगर नियर बाय सेंटर से आप लोग लेके आ सके बहुत अच्छा है, और इनको दिया थोड़ा ध्यान रखिएगा कि थोड़ा घी अच्छा हो, है ना। अब 100 रुपये वाले किलो एकदम मतलब जो घी बेकार है ऐसा घी ला के नहीं दिखाना चाहिए, अच्छा घी हो, है ना। और ये भी देखना चाहिए कि थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि उसमें कपूर मिलावे, जो बत्ती होती है ना उसमें थोड़ा कपूर डालें, कपूर जरूर डालें, ठीक है। और ध्यान रखें कि तिल का तेल या फिर घी, घी में भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी हो, नहीं तो लोग क्या करते हैं कोई भी क्वालिटी का घी मिल गया अपने खाने के लिए 1000 रुपये किलो वाला और भगवान के लिए 100 रुपये वाला, 10-10 गुना का फर्क हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप लोग करिए जो भी हो एकदम मतलब अच्छे से। वैसे तिल का तिल भी शुद्ध है, उसे भी बहुत शुद्ध माना जाता है ना। और सवेरे शाम आप दोनों समय कर सकते हैं, है ना, सवेरे शाम आप दोनों समय कर सकते हैं। और जानते हैं कि ये सब भगवान व्यवस्था क्यों करते हैं कि कार्तिक में दीप जला करके कोई मेरे पास आ जावे, हाँ ये जो व्यवस्था है भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि भाई कोई कार्तिक में केवल दिया दिखावे और मेरे पास आ जावे, क्यों करते हैं सब जानते हैं? क्योंकि भगवान कुछ बहाना ढूंढते हैं कि भाई मैं तो जी वो मेरे लिए कुछ तो ऐसा कर्म करे जिसे मैं वापिस अपने पास बुला लूं, कुछ तो ऐसे कार्य करे। इसलिए जरूर करिए भगवान कृष्ण को कार्तिक में जरूर दिया दिखाइए, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तो भी यह दीप दान उन पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं, चाहे यह दीप दान भगवान वासुदेव के मंदिर में हो या अपने घर में, या अद्भुत फल देने वाला है। ध्यान रखिए जहाँ आपको सुविधा हो, आप घर में भी अल्टर है आपके पास, वहाँ पे यशोदा दामोदर का फोटो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और फिर दीया अर्पित कर सकते हैं। निश्चित ही वह व्यक्ति भाग्यवान और महिमावान है जो भगवान मधुसूदन के समक्ष दीप जलाता है, क्योंकि तीर्थों में किए गए हजारों यज्ञ भी इस दीपदान से तत्क्षण प्राप्त होने वाले फल के बराबर नहीं।
बड़े बड़े यज्ञ भी इसके सामने फेल हो जाते हैं। बहुत अद्भुत है महिमा एकदम। अब बताए कौन व्यक्ति नहीं करना चाहेगा आप लोगों में से? सब लोग चाहेगा कि प्रभु जी हम लोग अर्पित करें, दिया अर्पित करें। बहुत अद्भुत फल है प्रभु, केवल दिया अर्पित करना, केवल दिया अर्पित। अब सोचिए ना, हमारे पूर्वज वेट कर रहे हैं अभी कब से ना जाने कि कोई तो मेरे कुल में ऐसा व्यक्ति जन्म ले जो मुझे दिया, जो भगवान को दिया अर्पित करे और हमारा उद्धार हो जाए। फंसा हुआ जीव देख रहे, यहां तक कि जो कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता है, देखिए ये भी बहुत अद्भुत है। यहां तक कि कोई धार्म जो 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 कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता है, यहां तक कि सबसे बुरा पापी भी निश्चित रूप से इस दीप दान से शुद्ध होगा। नारद, तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो इस कार्तिक दीप के सामने रह सके। तो सुबह शाम दिया अर्पित करना है और दिन भर जमकर पाप करना है, राइट? कुछ लोग तो ऐसा सोच लिए, नहीं कोई पाप रह नहीं सकता। मतलब हमने हमारे स्वभाववश, हमारे संस्कारवश, हमने पूर्व में बहुत सारे पाप कर लिए, तो वो सारे पाप जब हम भगवान को दिया अर्पित कर रहे हैं ना दामोदर जी को, जैसे हमने दिया अर्पित किया यशोदा दामोदर को, वो सारे पाप वो दिया के लौ के साथ जल के भस्म, खत्म, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। इसलिए अद्भुत है प्रभु, अद्भुत है इसकी, अद्भुत है। वास्तविकता तो यह है कि इस दीप को भगवान वासुदेव के समक्ष प्रस्तुत करते करने से व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकता है। कौन नहीं जाना चाहता है आप में से भगवत धाम, बताइए हमें। कौन रहना चाहता है यहाँ पे दिन रात कष्ट, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, कितना कष्ट है, कितना कष्ट है जीवन में, कौन ऐसा भोगना चाहता है? सब लोग चाहते हैं कि भगवत धाम चले जाए, तो क्यों नहीं आप लोग दिया अर्पित करेंगे? मुझे कोई एक कारण बता दे प्रभु जी, मैं इस कारण से नहीं कर पाऊंगा, कोई कारण ही नहीं है। एवरीबडी कैन डू दिस, एवरीबडी, सभी लोग कर सकते। देखिए फिर क्या कह रहे हैं, जो मूर्ख व्यक्ति भगवान केशव को कार्तिक के मास में दीप दान नहीं करता है, उसको हे ऋषिवर कभी भी वैष्णव नहीं मानना चाहिए। अपने आप को वैष्णव कह रहा है, मैं वैष्णव हूं लेकिन भक्ति भक्त हूं, लेकिन वह कार्तिक में भगवान को दिया अर्पित नहीं कर रहा, तो ठीक है। अब देखिए कार्तिक व्रत के कुछ नियम मैं दिखाता हूं आपको, दिख रहे? पहला तो है कि भगवान कृष्ण को दीप दान करना चाहिए, दीप दान करना है, चाहिए नहीं करना ही है। और ध्यान दें कि एक भी दिन ना छूटे, एक भी दिन किसी भी हाल में हमारा दीप दान कार्यक्रम ना छूटे। एकदम जैसे होता है ना कि मतलब ध्रुव सत्य अटल कर लीजिए, मैं इतने बजे, या तो या फिर हम लोग यहाँ ऐसे भी करेंगे जब ऑनलाइन क्लास होगी तो क्लास के बाद हम लोग गीता क्लास के बाद दामोदर अष्टकम पाठ करेंगे और आप लोग दिया अर्पित कर लीजिए, ये भी ठीक है। लेकिन जैसे कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं या अन्य स्थान पर जा रहे हैं, तो अगर नहीं हो पाया तो उस समय आप लोग एकदम फिक्स कर लीजिएगा। तो हम लोग जो जो टाइम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे ना क्लास के बाद, वही टाइम फिक्स रखिएगा और पूरे महीने उस टाइम आप लोग अर्पित करिएगा, ठीक है? और ध्यान रखिए कि कोई भी दिन किसी भी कंडीशन से छूटे ना, किसी भी कंडीशन से। और अब कहीं शाम को जाना है तो सवेरे अर्पित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवेरे शाम आप कभी भी कर सकते हैं, दोनों टाइम कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, जितने लोग हैं घर पे सबको अलग अलग दिया दीजिए, कंजूसी नहीं। एक रुपए में दो दिया मिल जाता है फिर कंजूसी क्यों है ना, उसमें थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ी सी बत्ती डालनी है, दो तीन रुपए में दिया तैयार हो जाती है। सबके लिए दिया ले आइए और अर्पित कराइए भगवान को, भगवान के पास रखिए एकदम दिया अर्पित करिए, बहुत सुंदर लगेगा। और उसमें वो क्या करिए, बत्ती में थोड़ा सा कपूर को रष्ट कर लीजिए, चूर लीजिए उसको ऐसे ऐसे करके और उस बत्ती में डाल दीजिए, तो तुरंत पकड़ लेगा। कपूर जरूर डालिएगा, ध्यान रखिए कपूर जरूर डालना है, और घी जो है थोड़ा शुद्ध घी हो, अच्छा घी हो, है ना। अब एकदम 1000 रुपये वाला भी नहीं कर सकते हैं तो 100 रुपये वाला भी नहीं करना है, थोड़ा सा अच्छा घी हो, अच्छा क्वालिटी का हो। अगर घी में दिक्कत हो तो तिल का तेल ले आइए, तिल का तेल भी शुद्ध माना जाए, लेकिन प्रयास करिए घी, घी में क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से सब लोग तो यहाँ पे अच्छे पैसे कमाने वाले हैं, तो फिर क्यों नहीं घी अर्पित कर सकते हैं, अर्पित करना चाहिए, ठीक है? एकदम अच्छे से भगवान को अर्पित करिए और डेली अर्पित करिए, डेली, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। एकदम ध्यान पूर्वक कान खोल के सभी डिवोटीज सुन लीजिए, एक भी दिन दिया अर्पित करना छूटना नहीं चाहिए, जैसे भी हो करिए, थोड़ा शाम हो जाए या फिर सवेरे करके निकल जाइए, जब भी समय मिले कर लीजिए, करना बहुत जरूरी है।
ठीक है। उसके बाद है दूसरा, उड़द दाल नहीं खानी है। ये तो चतुर्मास जो पालन कर रहे हैं उनके लिए है, उड़द दाल नहीं खाना चाहिए, ठीक है, कार्तिक महीने में, फिर बाद में आप खा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उड़द दाल हम लोग नहीं खावे, है ना। अब तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। कम से कम सुबह 5 बजे के पहले स्नान कर लेना है, टाइम कर लीजिए एकदम फिक्स एटलीस्ट। अरे स्नान करने का भी अद्भुत फल है कार्तिक में, आप जानते नहीं होंगे, लेकिन गांव साइड में दिया अर्पित करना या ये वो तो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन हमने बहुत सारे गांव में सुना है कि कहां जा रहे हैं, तो कार्तिक नहाने के लिए जा रहे हैं। फिर मुझे बाद में पता चला, अरे इसका भी बहुत अद्भुत फल है, केवल कार्तिक नहाने से व्यक्ति भगवान को प्रिय हो जाता है। पता होगा या नहीं होगा, कार्तिक नहाने से व्यक्ति भगवान को प्रिय हो जाता है। और आपको मैं ये दीपदान के, अच्छा पहले नियम पढ़ लेता हूँ, फिर आपको कुछ और महिमा बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। सब लोग, बहुत सारे लोग बहुत बहाना करते हैं, मैं किनको किनको बोल रहा हूँ लोग समझ रहे होंगे, है ना। नौकरी है प्रभु जी, बाहर चला जाता हूँ, घर में नहीं रहता हूँ, शॉपिंग करने चला जाता हूँ, ये वो रिलेटिव, ये वो ऐसा वैसा, जो भी आता है आने दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे भी हो सवेरे उठ जाइए और 5 बजे से पहले तो स्नान कर ही दीजिए। थोड़ी ठंड लगे तो गर्म पानी से नहा लीजिए, लेकिन जैसे भी हो बिफोर 5 PM एवरीबडी शुड बाथ, ओके, एकदम फिक्स कर लीजिए, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 4, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। आप सभी तो जप करते हैं, जो नहीं कर रहे हैं वह भी जप करिए, और एकदम 5 बजे स्नान करने के बाद बैठ जाइए, हमारा तो जपक चलता ही है 5 to 7 AM, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए जप करिए, ठीक है। 5वां, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण और पठन पाठन करना है। श्रवण तो कर ही रहे हैं, कल से मॉर्निंग में हम लोग बहुत सुंदर भगवान की बाल लीला, दामोदर लीला और अन्य छोटी छोटी लीलाओं का श्रवण करना शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर आइए मॉर्निंग, ठीक है। 6ठा है, दामोदर अष्टकम गाना है, डोंट फॉरगेट, दामोदर अष्टकम गाना है सभी, ठीक है, दामोदर अष्टकम गाना है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे चैनल पे हमने एक वीडियो बनाया है दामोदर अष्टकम का, जहाँ पे हम लोग गा रहे हैं, तो आप लोग उसको रिपीट कर सकते हैं, और उसमें बहुत सुंदर लिरिक्स भी आता है, तो उसको भी आप देख देख कर गाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैंने शायद उसका लिंक भी शेयर कर दिया था ग्रुप में, है ना, तो आप लोग उसको देखते हुए और गा सकते हैं, बहुत अद्भुत है, दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, ठीक है। मैं उसका लिंक भी यहाँ डाल दे रहा हूँ, ये देखिए डाल दिया, आप लोग यहाँ से उसको गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। और फिर उसके बाद है ब्रह्मचर्य का पालन करना है सभी के लिए, ठीक है, इवन संतान उत्पत्ति के लिए भी इस महीने में नहीं। 8वां, तुलसी जी की सेवा करनी है। आप सब तो करते ही हैं, जल डालते ही, ठीक है, और डेली डालते हैं। 9, दीप दान सुबह भी कर सकते हैं, अगर शाम को लगता है कि प्रभु जी ऑफिस है नहीं आ पाऊंगा, इधर चल जाता हूँ उधर चल जाता हूँ, तो सवेरे कर लीजिए। 10वां, बहुत महत्वपूर्ण, भक्तों के प्रसाद की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना करने का प्रयास करिए, जितना हो सके उतना, बहुत अद्भुत है भक्तों के प्रसाद की सेवा करने का, बहुत अद्भुत फल है कार्तिक में भक्तों को, वैष्णवों को प्रसाद देना, प्रसाद खिलाना, बहुत अद्भुत महिमा है प्रभु का, ठीक है। इसलिए ऐसे तो अन्य दिन भी खिला सकते हैं, लेकिन कार्तिक में ऐसे खिलाना इसकी और भी महिमा है, इसलिए सब लोग प्रयास करिए, जितना भी हो सके हम लोग कर सकते हैं ना, हाँ जरूर कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग प्रयास करिए ये सारे नियमों को फॉलो करने का। आप लोग जानते हैं कि मतलब ये दामोदर स्त्रोत जो बोल रहे हैं, दामोदर अष्टकम गाना है, इसको गाने का बहुत फल है। ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि सत्यव्रत मुनि के द्वारा दामोदर स्त्रोत लिखा गया है, है ना, और ये दामोदर अष्टकम भी बहुत ही सुंदर, अनंत है, अनंत है, जैसे भगवान अनंत हैं वैसे ये दामोदर स्त्रोत भी अनादि है, अनंत है। और ऐसा नहीं है कि ये दामोदर अष्टकम को सत्यव्रत मुनि ने लिखा है ना, इसको सत्यव्रत मुनि ने प्रकट किया है, प्रकट किया है। जैसे त्रेता युग में भगवान देवी कौशल्या के द्वारा प्रकट हुई, जैसे द्वापर युग में भगवान देवी देवकी यशोदा के द्वारा प्रकट हुई, उसी प्रकार से ये दामोदर अष्टकम जो है सत्यव्रत मुनि के द्वारा प्रकट, ये अनित्य है,
है ना, एकदम मतलब अद्भुत है। और सनातन गोस्वामी इसके विषय में लिखते हैं कि कितना सुंदर बात कहते हैं कि जो कोई भी कार्तिक महीने में कोई व्यक्ति दामोदर अष्टकम गाता है और भगवान को केवल दीप बताता है, दीप दिखाता है, वो भगवान का प्रेमी। सोचिए, केवल दामोदर अष्टकम गाने से, भगवान को दीप दिखाने से वह व्यक्ति भगवान को प्रिय बन जाता है। अब पद्म पुराण के अनुसार, अभी तो हमने इतना स्कंद पुराण से सीखा पूरा का पूरा लिस्ट, पद्म पुराण में एक कथा आती है, मैं आपको बता दूं कि द्वारिका नगरी में देवी सत्यवती एक बार भगवान कृष्ण की सेवा कर रही थी, क्षमा चाहूंगा देवी सत्यभामा, क्षमा चाहूंगा देवी सत्यभामा एक बार भगवान कृष्ण की सेवा कर रही थी। और भगवान की सेवा करते 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 उन्होंने मन में प्रश्न हुआ कि मैं पूछूं कि कृष्ण मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कार्य किए थे जिसके वजह से आज मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तुम्हें कृष्ण कहते हैं सत्यभामा, पूर्व जन्म में तुमने दामोदर अष्टकम का पाठ किया था और उस दामोदर नित्य दामोदर अष्टकम का पाठ किया था, मुझे दिया अर्पित किया था और उस दामोदर अष्टकम पाठ करने के कारण, दामोदर अष्टकम गाने के कारण, दिया अर्पित करने के कारण आज तुम्हें मेरी पत्नी बनने का स्वभाव प्राप्त हुआ है। सोचिए कितना अद्भुत है ना, अद्भुत है। और एक छोटा सा महिमा और मैं बताऊं आपको, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु से है कि वहाँ पे भी लिखते हैं कि एक चूहिया थी, चूहिया होती है ना, वो एक मंदिर में रहती थी। तो वो मंदिर में क्या करते थे, मंदिर में बहुत सारे दिया अर्पित किया जाता था, तो अर्पित करने के बाद क्या करते थे कि दिया की जो बत्ती है वो निकाल के फेंक देते थे। तो एक दिन दिया अर्पित किया गया और दिया की बत्ती को फेंक दिया गया, दिया की बत्ती में आपने देखा होगा कि छोटी सी लौ रह जाती है, छोटी सी रेड कलर का, उसमें थोड़ा धुआं निकलता है। और ये चूहिया की क्या आदत थी, वह जाती थी और उसको खाती थी, उसमें लगे हुए घी को। एक दिन गई है और जैसे ही इसने खाया तो उसमें आग लगा था, तो आग लगा हुआ जैसे इसकी जीवा में स्पर्श हुआ तो उछलने लगी, उछलने लगी तो उससे दिया जो है 7 बार अर्पित हो गया भगवान को। और वो गलती से भगवान को अर्पित होने के कारण वह नेक्स्ट जन्म में एक अच्छी रानी बनी और वह भगवान को दिया अर्पित करने में बहुत उसका मतलब भाव था, बहुत सुंदर, वो डेली भगवान को दिया अर्पित करती थी। तो देख रहे भगवान कब किसके ऊपर क्या, उनका कोई भाव नहीं था उस सुइया का, लेकिन गलती से वो भी ऐसे दिया अर्पित कर, मतलब कुछ पता भी नहीं दिया क्या, वो तो खाली हिला दी ऐसे करके, हिल गया गलती से जलने के कारण, तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान को नियम पूर्वक अच्छे से अर्पित करेंगे दिया, तो आप बताइए क्यों नहीं भगवान उसको मतलब एक्सेप्ट करेंगे, एकदम एक्सेप्ट करेंगे। और दिया दिखाने का क्या नियम है, कितने बार भगवान के चरण में, यस 4 टाइम भगवान के चरण में, 2 टाइम्स भगवान के नाभि कमल में, ठीक है, नाभि जो है भगवान का वहां पे 2 बार, और 3 टाइम्स भगवान के फेस में, ठीक है, ध्यान रखिए 4 2 3 4 2 3 देन ये जब 4 2 6 और 3 9 बार हो जाए, फिर 7 बार भगवान के फुल बॉडी में, गॉट इट, क्लियर, 4 2 3 7 ठीक है, 4 बार भगवान के चरण में, 2 बार भगवान के नाभि में, 3 बार भगवान के मुख कमल में और 7 बार पूरे भगवान के शरीर, यस पूरे बॉडी, ठीक है, क्लियर, ओके, हरे कृष्णा। आप किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मुझे, मैं जानता हूँ इसमें थोड़े प्रश्न हो सकते हैं, पूछिए। एक प्रश्न था, ऐसा गलत है, सिर्फ द्वादशी को तुलसी अर्पित नहीं कर सकते हैं, बाद बाकी जो जल है वो आप क्या कहते हैं उसको 12 महीना कभी भी दे सकते हैं, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ द्वादशी को तोड़ना नहीं चाहिए, बाद बाकी उस दिन भी आप पानी दे सकते हो, संडे को भी दे सकते हैं, ओके, हरे कृष्णा। और कार्तिक से संबंधित कोई जानकारी, किसी प्रकार का डाउट इसमें दिया अर्पित करने में, यस यस बू,
मंजरी? हाँ पता नहीं, मैंने दिया नहीं कभी भौजी, तो मैं नहीं कह सकता उसके विषय में, मैंने कभी सुना भी नहीं। अच्छा देखिए, अगर संभव हो तो, अगर व्यवस्था है तो शाम को करिए, नहीं तो आप सवेरे भी कर सकते हैं या फिर सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। मंगला आरती के तुरंत बाद आप कर सकते हैं भगवान, प्रॉब्लम नहीं है जी, कर सकते हैं, और शाम को भी कर सकते हैं। हम लोग क्लास के बाद करेंगे डेली, ठीक है? सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे और देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अद्भुत लगेगा, ठीक है? इसलिए सब लोग ऐसा व्यवस्था कर लीजिए कि आप कि भगवान हो और भगवान के सामने इस प्रकार से आप कैमरा रखें, दिखे वहां पर, ठीक है? ओके, और कोई प्रश्न? क्या करना चाहिए उसको, अच्छे से उसमें घी डालिए ताकि पूरा जल जाए। पता नहीं, हमारे इधर तो नहीं रहती, हम तो देखते हैं पूरा जल जाता है, पूरा काला काला हो जाता है, राख हो जाता है, बच जाता है तो उसको फेंक दीजिए, रख दीजिए, और क्या करेंगे उसको आप, ठीक है? उसका कोई यूज नहीं। यस, ये भी एक बहुत सुंदर प्रश्न है कि मिट्टी लें या फिर, अगर देखिए प्रयास करिए मिट्टी का दिया हो और घर में हर एक मेंबर्स के लिए अलग अलग हो, और जो डेली यूज, अब उसी को रिपीट नहीं करना है, मिट्टी वाले को, मिट्टी वाला लीजिए, एक बार यूज कीजिए, उसको थ्रो करिए, ठीक है? और अगर आपके पास कोई ऐसे जगह पे है जहाँ पे मिट्टी का नहीं मिल रहा है तो भाई ठीक है, आप वो पित्तल वाली होती है, आप उससे कर सकते हैं, और फिर उसको वॉश करिए अच्छे से, फिर यूज़ करिए, लेकिन बेटर है कि मिट्टी वाले में करिए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? हाँ नहीं, पंच प्रदीप नहीं करना है इसमें, सिंगल दिया लीजिए, ओके, ठीक है? हाँ, और एक चीज ध्यान रखिए कि बहुत लोग क्या करते हैं, घर में 15 मेंबर है, दिया लेंगे, ये एक बार भगवान को दिखाए, एक बार मैं दिखाऊंगा, तुम भी उस चीज दिखाओ, तुम भी इस चीज दिखाओ, तुम भी इस चीज दिखाओ, ना, हर एक के लिए अलग अलग करिए, ठीक है? समझ रहे क्या? हर एक के लिए अलग अलग दिया रखिए। यस, और कोई प्रश्न? दो बार पाँव में, 2 टाइम ऑन फुट, 4 टाइम ऑन नेवल एंड 3 टाइम ऑन फेस। हाँ, 4, 2, 3, 4, 2, 3, ओके, 4 टाइम्स भगवान के पाँव में, 2 टाइम्स नाभि में, और 3 टाइम फेस में, और 7 टाइम बॉडी में, पूरे बॉडी में, सर्वांग, ओके। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? बोलिए। हाँ, हवी लेते हैं, नहीं देख लीजिए अपनी स्थिति के अनुसार से, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है? अगर अगर ऐसा है कि रोजी मैं बीमार हो जाऊंगा तो बेटर है कि आप फुल टाइम खाना खाइए और भगवान को अच्छे से दिया अर्पित करिए, साधना पे अधिक ध्यान करिए, तोयला माला कर रहे हैं, थोड़ा राउंड्स बढ़ाने का प्रयास करिए, वृंदावन वास करिए, वृंदावन में रहने का प्रयास करिए, है ना? और नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हमारे साथ चलिए, हम लोग तो 5 दिन तो वृंदावन में जाके रहने ही वाले हैं, और भी बहुत मुख्य समय में हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग प्रयास करिए, मुझे लगता है तो सभी लोग तो प्रायः जा ही रहे हैं, जो व्यक्ति नहीं जा पा रहे हैं वो भी प्लीज आइए, है ना, प्लीज आइए। ऐसा नहीं है इससे कुछ मुझे बहुत फायदा होने वाला है ना, आपके लिए अच्छा है, आप आइए, ठीक है? और कोई प्रश्न है? यस, खुशबू माता जी। यस यस माता जी, 2, 4, 3, 4, 4, 2, 3। हाँ माता जी, हाँ, यशोदा दामोदर भी रखना चाहिए, यशोदा दामोदर भी रखना चाहिए, है ना? यशोदा दामोदर का फोटो रखना जरूर। ओके, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं है।